नमस्कार, आज आपको हम दिखा रहे हैं कि अपनी होलर चक्की में धान का कुटाई कितना अच्छा तरह से हो रहा है, जो कि गांव का ये रूरल एरिया है। और यहाँ पे हम लोग इसी तरह से चावल कुटाई करते हैं ताकि अपना पालन पोषण हो सके, पेट की भरपाई हो सके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में धान का कुटाई मोटर के द्वारा, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से हमारा मोटर चलता है उसके द्वारा धान का कुटाई होता था। पहले के ज़माने में पहले मशीन से, डीजल इंजन से धान कुटाई होता था, लेकिन 2-3 साल यानी कि 4-5 साल के अंतराल में इधर जो मोटर बाय करके हम लाए हैं तो उसी के द्वारा हमारा ये होलर अभी चल रहा है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से हमारा धान की कुटाई हो रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा से आप धान कुटाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहने गाइस, आपको हम दिखा रहे हैं कि धान की कुटाई बहुत ही अच्छा तरह से इधर हो रहा है। देख सकते हैं इसमें कितना सारा कचरा भी है धान में, जो कि हमें परेशानी करते हैं उसको डालने के लिए, क्योंकि डाला में जाके वो बैठ जाता है और अंदर में धान को नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही कठिनाइयाँ करते हैं हमें। इसलिए हम अच्छी तरह से पहले उसको देखते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारे होलर में। होलर की बात करें तो ये हमारा 8 नंबर का होलर है, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से हमारा धान का कुटाई हो रहा है अभी, और होलर भी बहुत ही अच्छा तरह से हमारा ये वर्क कर रहे हैं। देख सकते हैं कि डाला में भरपूर मात्रा में हमारा धान डाला हुआ है, और वहाँ से निकलने के लिए अभी हम पहले एक बार इसको धान की कुटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरी तरह से इसको सफाई करेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो पूरी वाइट यानी कि पूरा तरह से चावल साफ़ निकले और खाने में बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छा स्वाद लगेगा गाइस। तो आप देख लीजिए कितना अच्छा तरह से हमारा ये अभी वर्क हो रहा है। आप देख सकते हैं लघु उद्योग, ये हमारा सा छोटा सा बिजनेस जो आप सबों के लिए हम लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से आप भी ऐसा करके अपना रोज़गार यानी कि स्वरोजगार खुद से कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये आपको बिजनेस लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे क्या करना है हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं अभी जब भी इसमें खाली होता है तो ऊपर की तरफ फेंकने लगता है, इसलिए हमको भरपूर मात्रा में इसमें धान डालना पड़ सकता है। अरे जल्दी जल्दी डाल इसमें, देख रहे हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालते हैं, और थोड़ा सा भी खाली होता है तो इसमें ऊपर से धान फेंकने लगता है, देख लीजिए। क्योंकि धान अगर थोड़ा सा भी खाली देंगे तो वो सेल के द्वारा, ये मीटर देख लीजिए हमारा एम्पियर मीटर है, ये 20 मीटर पे अभी चल रहा है हमारा एम्पियर मीटर, 20 से कम यानी कि 10 से और 20 से बीच में हम एम्पियर मीटर पे चलाते हैं। ये हमारा मोटर है जो 10 एचपी का है और 960 आरपीएम का हमारा ये मोटर है। और ये चक होलर देख लीजिए, होलर के नीचे में गुंडा है, गुंडा भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा तरह से निकल रहा है, निकलने का जुगाड़ भी बहुत अच्छा तरह से किए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो निकालने के लिए। गुंडा इधर इस साइड से हम कर दिया, बहुत ही अच्छा तरह से हमारा ये वर्क हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इस वर्क को करने में और हमको बहुत ही अच्छा तरह से इसमें प्रॉफिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से लेबर सब वर्क कर रहे हैं, कस्टमर सब आए हुए हैं यहाँ पर धान कुटवाने के लिए, देख सकते हैं। अब हम इसको दोहराएंगे के लिए हम इसको फिर से डालेंगे, देख लीजिए, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, अब इसमें हम दोहराने के लिए इसमें डाल रहे हैं, देख लीजिए गाइज। हमारे चैनल पर अभी तक नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट सवाल कीजिए गाइज। तो देख सकते हैं आप, ये अब पूरी तरह से हम इसको कूटने के लिए तैयार कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा दबा रहे हैं, दबाएंगे तो भी हमारा चावल पूरी तरह से फ्रेश बनेगा और पूरी तरह से वाइट चावल होलर से निकलेगा। आप देख लीजिए, अब तो इसको दोहराने के लिए हम पूरी तरह से मंडला में डाल रहे हैं गाइस। देखिए कितना अच्छा तरह से हमारा चावल निकल रहा है, बेहतरीन चावल धान कुटाई करने के लिए।